हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल टीआरडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे आज बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं। अगले वाले वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे दोस्तों आफ्टर से डेसिमल में और डेसिमल से आफ्टर में, लेकिन इसमें केवल हम लोग दोस्तों बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में बदलना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि दोनों एक क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बाइनरी नंबर की बात करें, बाइनरी, तो देखिए दोस्तों इसके वर्ड से ही इसमें आ रहा है बाई। तो बाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो होता है। दो बाई का मतलब क्या होता है? टू होता है, मतलब ऐसा नंबर जिसमें केवल टू डिजिट हो, क्या हो, दो ही अंक से वो बना हुआ हो। तो दो अंक क्या क्या होंगे दोस्तों? एक जीरो होता है और एक वन होता है, ठीक। तो जीरो का मतलब होता है दोस्तों फाल्स। क्या होता है? फाल्स होता है, ठीक। यानी कि जीरो का मतलब फाल्स होता है अथवा ऑफ होता है, वहां पे बंद हो जाएगा। और वन का मतलब होता है दोस्तों ट्रू या होता है ऑन। हिंदी में इसको सत्य बोलते हैं दोस्तों। वन का मतलब सत्य होता है और जीरो का मतलब क्या होता है? गलत होता है, ठीक। तो इतना समझिएगा दोस्तों, ऐसा नंबर जो जीरो और वन से मिलकर बना हो उसी को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों डेसिमल, डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक। डेसी मतलब होता है दोस्तों, डेसिमल मतलब दशमलव प्रणाली। यानी डेसिमल सिस्टम में दोस्तों कुल हम लोग अंक लेते हैं 10 अंक, मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं दोस्तों? 10 अंक। और 10 अंक से जो भी मिलकर बनेगा उसे ही दशमलव प्रणाली कहेंगे। जैसे अगर कहें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दशमलव प्रणाली में ये अंक होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं दोस्तों। अब चलिए देखते हैं एग्जांपल लेके कि मान लीजिए अगर कोई दशमलव मतलब डेसिमल नंबर दिया हो और उसमें उसको बाइनरी नंबर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। सपोज कर लीजिए दोस्तों कि 15 दिया है, ठीक। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है कि 15 दिया है और 15 जब देगा दोस्तों तो इसका बेस होगा 10। दशमलव प्रणाली का बेस 10 होता है और बाइनरी का जो होता है दोस्तों वो 2 होता है। अब 15 को हमको किसमें बदलना है दोस्तों? बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलने के लिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम, एलसीएम में पढ़ते हैं दोस्तों सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से बार बार भाग देते हैं, ठीक। लेकिन 2, 3, 4, 5 से भाग देते हैं, लेकिन इसमें केवल दोस्तों बाइनरी में बदलने के लिए, दशमलव से बाइनरी में बदलने के लिए केवल 2 से ही आपको भाग देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 है, तो 15 में हम 2 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उसको दूसरी तरफ हम लिख लेंगे, मतलब शेषफल यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 2 से जब 15 में भाग देंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों? 7 बार में जाएगा। तो 7 से जब जाएगा तो 1 शेषफल आ जाएगा। फिर से दोस्तों 2 से अगर 7 में भाग दें तो 3 बार में जाएगा, 1 शेषफल हो जाएगा। फिर से अगर 2 से भाग दें तो 1 बार में जाएगा और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? शेषफल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगर बाइनरी में अगर हम इसे लिखना चाहें 15 को, तो हमेशा हम इसको जो शेषफल आया है हमेशा हम नीचे से लिखते हैं। 1 ये भी शेषफल होगा क्योंकि 0 बार में जाएगा दोस्तों, तो हम इसको हमेशा नीचे से लिखते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 1, 1, 1, 1 4 बार आया है, 4 बार 1 हम लिख लेंगे। यही हो गया दोस्तों, 15 को अगर बाइनरी में लिखना हो तो हम 4 बार क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 लिख लेंगे। 15 को 4 बार 1 लिखेंगे तो ये बाइनरी में बदल जाएगा। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल लेके। अगर मान लीजिए दोस्तों हमको 27 को बदलना है बाइनरी में, किसको बदलना है? बाइनरी में बदलना है। 27 को अगर बाइनरी में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो 27 का भी ऐसे ही क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम की तरह हम निकालेंगे। तो 27 में किससे भाग देंगे? 2 से। कितना बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा और 1 शेषफल आ जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे, 6 बार में जाएगा, 1 शेषफल आ जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा और 1 शेषफल आ जाएगा, ठीक। तो फिर से अब इसको बाइनरी में लिखेंगे कैसे दोस्तों? नीचे से ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? 1 है, ठीक। 1 है, फिर से 1 है, फिर से 0 है और फिर से 1, 1 है। मतलब 1, 1 दो बार आया है। शुरू में भी 1, 1 दो बार आ रहा है और लास्ट में भी 2 बार आ रहा है। हमेशा नीचे से लिखते हैं दोस्तों जो एलसीएम निकाले रहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, और कोई भी बाइनरी नंबर मतलब डेसिमल नंबर दिया हो,
ठीक, उसको बाइनरी बदलना हो तो बहुत ही आसानी तरीके से हम बदल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब इसी का उल्टा देख दोस्तों हम लोग देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, मतलब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों कि 15 का जब हम निकाले हैं तो 15 का क्या आया बाइनरी में, 1 1 4 टाइम्स 1 आया है। ठीक, अब इसको हमको अगर बदलना है दोस्तों डेसिमल में, ठीक, डेसिमल में कितना लिखेंगे तो देखिए दोस्तों, जो ये डिजिट है मतलब 1 4 टाइम्स आ रहा है तो 1 को आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, और बाइनरी का बेस क्या होता है दोस्तों, 2, तो हमेशा हम 2 लिख लेंगे, सबके नीचे क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। और डेसिमल का बेस दोस्तों 10 होता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक, इस घात हम 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर से 1 लिखेंगे, फिर से 2 लिखेंगे, फिर से 3 लिखेंगे। ठीक, तो 0 और किसी भी संख्या पे घात हो दोस्तों तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, 2 पे घात 2 होगा, 2 पे 2 घात 4 होगा, 2 पे 3 घात कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। ये सबको अब हम जोड़ लेंगे तो 8 4 12 12 2 14 और 14 15, यानी कि 15 ये डेसिमल में हो गया दोस्तों, क्या 15 लिख देंगे। ठीक, अब चलिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हमारा आया था 110 11। ठीक, इसको क्या करना है दोस्तों, ये दिया है बाइनरी में, हमको बदलना है किसमें, डेसिमल में। ठीक, तो फिर से वही प्रक्रिया दोस्तों, ये जो अंक है मतलब 0 1 1 0 1 1, इसके नीचे क्या करेंगे, इधर से 2 लिख लीजिए, तो 2 यहाँ पे भी लिखे, 2 यहाँ पे लिखे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी लिख लिए, सबके नीचे 2 2 लिख लेंगे दोस्तों। और इधर से क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, मतलब क्रम से दाहिने से बाएं की तरफ लिखेंगे, 0 से 1 से नहीं 0 से लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 0 का मतलब क्या होता है, फाल्स होता है, ऑफ होता है, तो इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पे 0 हो जाता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 2 पे घात का मान 2 होगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक, यानी कि 0 ही हो जाएगा, और 2 पे 8 हो जाएगा, और 2 पे कितना दोस्तों, 2 पे 4 का मान 16 हो जाता है। आप सबको जोड़ लीजिए, अगर इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो 16 और 8 कितना होगा, 24 और 24 तो 26 26 से 27, यानी इसको अभी हम लोग कर ले दोस्तों 27 को, तो ए हमारा आया था। तो देखिए 1 1 0 1 1 को हम क्या लिखते हैं, 27 लिखते हैं। तो ऐसे दोस्तों हम डेसिमल से बाइनरी में बहुत ही आसान तरीके से बदल सकते हैं। कोई भी नंबर दिया हो दोस्तों, बाइनरी का डेसिमल बदलना हो या डेसिमल का बाइनरी बदलना हो, तो बहुत ही आसानी तरीके से बदल सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।